नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा होगा जिसके मुंह में छाई होती है। लगभग 50% महिलाओं को ये समस्या होती है। जिनकी उम्र 20 से 50 वर्ष के बीच में होती है उन्हीं को ये सबसे ज़्यादा होती है। तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मेलाज्मा। क्या बोलते हैं? मेलाज्मा, मेलाज्मा। अब देखिए, अब अंग्रेजी में हमने इसको बोल तो लिया है, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब समझना क्यों है? क्योंकि ये औरतों की सुंदरता को ख़राब करती है और औरतों के लिए सुंदरता एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाला सवाल यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है ताकि आपको 20 से 50 वर्ष की उम्र के बीच में इस प्रकार की छाही, इस प्रकार का मुँह में दाग कुछ भी ना हो, तो उसी को हमने बोला है मेलाज्मा। अब समझिए, आपको जो अगर छाही हो रखी है तो आखिर क्यों हो रखी है, किस कारण की वजह से हो रखी है, ऐसा आप क्या करती हैं जिसकी वजह से आपको छाही हो जाती है? तो सबसे पहला कारण है आपका धूप। आपका नहीं, हम सबका धूप, मतलब सनलाइट, सूरज की रोशनी। ठीक है, पहला क्या है? सनलाइट। ऐसा नहीं है कि धूप की जो किरणें होती है वो सिर्फ हानिकारक ही होती है। अगर धूप की किरण आपको ना मिले तो आपके बॉडी में जो विटामिन डी है वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम हमारा बॉडी एब्जॉर्ब अवशोषित कर पाता है, फिर वो नहीं कर पाएगा। तो सूरज की रोशनी भी अति आवश्यक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है? दिक्कत तब है जब आप तरह तरह के क्रीम, तरह तरह के मेकअप के प्रोडक्ट्स लगा करके जब आप धूप में जाती हैं और उस टाइम में उस मेकअप वाली चीज़ में होता है केमिकल, और उस केमिकल से क्या होता है, उस केमिकल में जैसे ही आपके मुंह पर लगा हुआ है, आप गए धूप में और सूरज की किरण पड़ी और फिर वहां पे वो रिएक्शन हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है और अक्सर भी ऐसा होता है। मेकअप करके अगर आप ज़्यादा धूप में रहेंगी तो आपको ब्लैक स्पॉट यानी कि मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेलाज्मा को हमने दूसरा नाम क्या दिया है? ब्लैक स्पॉट, मतलब काला धब्बा हो जाना। अब ये 20 से 50 वर्ष की महिलाओं को ज़्यादा होता है। अब पहला कारण हमने बोला यहाँ पे सनलाइट, दूसरा कारण क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब देखिए, बच्चा रोकने वाला जो दवा होता है, अगर उस दवाओं का सेवन आप ज़्यादा करती हैं, क्यों? क्योंकि आपको छुपाना है कि आपकी जो कमी है, आपकी जो गलती है वो छुप जाए और आप बिल्कुल मज़े भी करो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप ऐसा करती हैं तब आपको कम उम्र में ही ब्लैक स्पॉट, मुंह पे छाई की समस्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा कारण ये मैं मानती हूँ, क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी से आप बच सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है केमिकल्स, क्योंकि वो जो दवाई होती है वो केमिकल्स की ही बनी होती है। और आपने किया सेवन, आपने कुछ इंजॉयमेंट किया, उसके बाद आपने कर लिया सेवन, क्यों? ताकि आप सेफ रहे। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप सेफ नहीं है, आपका बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है इससे। ठीक है, तो आपको इसका सेवन नहीं करना है। सेवन का मतलब है खाना आपको नहीं है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके बाद तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण है जेनेटिक, जेनेटिक्स हो सकता है। इसका मतलब है माता पिता से भी आते हैं ये गुण, देखा गया है कि ये गुण माता पिता से भी आ जाते हैं। ज़्यादा अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करती है, दवाई होता है ना, थोड़ा सा बुखार लगा, बस एंटीबायोटिक्स आपने खाया, वो भी हार्ड वाला, डोजेस भी ज़्यादा, तो क्या हो गया, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अगर आप खाएंगे तो इसकी वजह से आपको ब्लैक स्पॉट, मेलाज्मा की समस्या हो जाएगी। ज़्यादा आप अगर स्टेरॉइड्स लेंगे, ज़्यादा जो जिम जाते हैं वो स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं ना, ज़्यादा अगर आप स्टेरॉइड्स लेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको छाई हो सकता है, मेलाज्मा हो सकता है। तो इतने सारे कारण हैं, देख लीजिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब समझिए, जब छाई हो जाती है तो आपको क्या फील, क्या होता है? पहला बात तो ये कि आपको ख़राब लगता है, कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और दूसरा बात ये है कि इसमें आपको कोई दर्द नहीं होता है, ये अच्छी बात है, दर्द नहीं होता है और जलन नहीं होता है। लेकिन कभी कभार देखा गया है कि अगर आपको ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम है और अगर आप धूप में जाते हैं तो आपका स्किन हल्का सा अंदर से जलने लगता है अधिक समय तक धूप में रहने पर। तो लक्षण में आपको कोई भी लक्षण देखने
देखने को नहीं मिलेंगे। नो बर्निंग, नो सेंसेशन, मतलब कोई भी आपको कुछ भी फील नहीं होगा। तो लक्षण आपको सब कुछ भी नहीं दिखता है, बस आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस मेरी ब्लैक स्पॉट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए इसके प्रकार भी होते हैं। प्रकार कैसे होते हैं, किसी औरत को आपने देखा होगा, किसी लड़की को आपने देखा होगा कि छाही सिर्फ सर पे है या फिर नाक पे आ गई है ब्लैक स्पॉट, या फिर यहाँ पे अपर लिप्स, ये होंठ के ऊपर आ गया, या फिर यहाँ पे आपके चिन पे जिसको हम ठुड्डी बोलते हैं, तो इस पे आ गया है, तो पूरा सेंटर वाला हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोफेशियल। पहला प्रकार यही है, सेंट्रोफेशियल। ठीक है, मतलब पूरा बीचों बीच, समझिए बात को, बीचों बीच कैसे, यहाँ पे सर पे हो गया, नाक पे हो गया, यहाँ पे होंठ के ऊपर हो गया, या फिर यहाँ पे छीन के ऊपर हो गया, तो पूरा बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे, इस प्रकार की छाई को हम बोलेंगे सेंट्रोफेशियल। दूसरा ये कि सिर्फ किसी किसी को आपने देखा होगा कि सिर्फ गाल में होता है, बहुत सारी महिलाओं को गाल में हो जाता है, यहाँ पे यहाँ इस वाले एरिया में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मलार। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत कम महिलाओं को, लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पे जबड़े के पास हो जाता है दोनों साइड से, तो इसको हम बोलते हैं मैंडिब्यूलर। क्या बोलेंगे, मैंडिब्यूलर। तो तीन प्रकार का ये होता है, ठीक है, सेंट्रोफेशियल, मलार और मैंडिब्यूलर होता है। तो यहाँ पे छाही का प्रकार है कि छाही किस किस जगह पे है, जब बीच में होगी तो क्या होगा, सेंट्रोफेशियल होगा, जब दोनों गाल पे होगा तो क्या होगा, मलार होगा, और जब यहाँ पे जबड़े के पास होगा तब क्या होगा, मैंडिब्यूलर होगा। तो तीन प्रकार का आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब समझिए बात को, याद करना है, याद कैसे करना है, याद बहुत अच्छे से करना है, और आपको मैं जितनी बातें बताती हूँ अगर आप उतनी बातें लिख करके आएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स तो मिलने ही हैं। यहाँ पे आपने टाइप्स को देख लिया, अब समझिए, हमने देखा कारण, हमने देखा टाइप्स, और लक्षण में मैंने आपको बता दिया कि कोई भी लक्षण आपको महसूस नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे दिखता है स्पॉट, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आप इलाज में क्या करोगे, ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करेंगे, आपका इलाज कैसे करेंगे, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करेंगे, वो ऐसी दवाओं को देंगे जो कि मेलानिन को कम करे, क्योंकि ये परमानेंट ठीक नहीं होगा एलोपैथी से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें केमिकल्स वाला मेडिसिन होता है, और आपको ऐसी दवाई दी जाएगी जो कि इसको कम करे, इसकी वजह से, मेलानिन की वजह से हमारे स्किन का कलर डिसाइड हो पाता है कि हम काले हैं, गोरे हैं, या फिर सांवले हैं। जब हम धूप में जाते हैं तो हम थोड़े से सांवले हो जाते हैं, और ये सांवलापन होना भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सांवले नहीं हुए तो आपका पूरा स्किन जल जाएगा। तो ईश्वर ने बहुत अच्छी रचना की है हमारी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेलाज़मा में ये जो मेलानिन होता है ये बहुत ज़्यादा बनने लगता है आपकी त्वचा के अंदर, आपके बॉडी में, ठीक है, उसकी वजह से आपको ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इलाज में अगर आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो ये ऐसी दवाइयों को देंगे जिसकी वजह से ये मेलानिन जो है वो कम होने लगे। इसके अलावा आप खुद से क्या कर सकते हो, खुद से आप देखिए यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर को 20 मिनट लगा करके फिर आप हल्के सुसुम पानी से, गर्म पानी से फिर आप धो सकते हो, जिसको आप बर्दाश्त कर सको। साथ ही आप नींबू का जो जूस होता है, लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस, उसको भी आप फेस पे लगा करके 20 मिनट तक रख सकते हैं, और फिर आप गुनगुने पानी से उसको धो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खान पान पर ध्यान दें, धूप में जाए तो आप सनस्क्रीन लगाएं, साथ ही आप एक्सरसाइज करें, खूब सारा पानी पिएं, इसकी मदद से आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे आप, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो हार्मोन्स की डिस्टरबेंस भी नहीं होगी। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप मेनोपॉज की तरफ जाते हो, मतलब आपका महावारी जब बंद होने वाला होता है, पीरियड्स जब खत्म होने वाला होता है, तो उस टाइम में भी ब्लैक स्पॉट्स की समस्या होती है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट में जब वो बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद भी उसके चेहरे पर ये मेलाज़मा जो है वो आ जाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब बॉडी में कभी भी हार्मोन की डिस्टर्बेंस हो तो उस टाइम में आपको अपना खास ख्याल रखना है। तो आज का लेक्चर यही है, और मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो पहला कमेंट होता है उसी में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, तो आप जा करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।